हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने नोकिया मोबाइल कीपैड वाले मोबाइल में दोस्तों आप ब्लूटूथ को कैसे ऑफ़ करोगे। दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में ब्लूटूथ सेटिंग को ऑन कर चुके हो और आप इसको ऑफ़ करना चाहते हो, यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप कैसे कर सकते हो आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन को अनलॉक कर लेना है। अनलॉक करने का दोस्तों आप मेन्यू बटन पे क्लिक करो। दोस्तों आपके यहाँ पे एप्लीकेशन दिखेगी, यहाँ पर आपको जैसे कि मैसेज एप्लीकेशन है, कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन है, गैलरी है, एफएम रेडियो है, कैमरा है यहाँ पर आपका। दोस्तों यहाँ पर हम नीचे की तरफ आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूज़िक, फिर यहाँ पर वीडियो, फिर सेटिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी आपकी कीपैड मोबाइल की सेटिंग। तो आपको इस पर ओके कर देना। ऐसे करके ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारी सेटिंग शो होती है आपको। यहाँ पे सिस्टम सेटिंग, कनेक्टिविटी सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग है दोस्तों, यहाँ पे पर्सनलाइज सेटिंग है, यहाँ पर आप साउंड सेटिंग वगैरह यूज़ कर सकते हो, लॉक स्क्रीन बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी वाले पे क्लिक कर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तो फ्लाइट मोड है, उसके बाद यहाँ पर ब्लूटूथ सेटिंग है। दोस्तों ब्लूटूथ सेटिंग पर क्लिक करेंगे ऊपर और ओके कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर तो अपने ब्लूटूथ डिवाइस नेम यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। फ़ोन विजिबिलिटी सेटिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। डिवाइस फाउंड पे क्लिक करोगे तो दोस्तों अगर आप कोई स्पीकर वगैरह ऑन करते हो अपने फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए, तो आप इस पर ओके आप करोगे तो आपको यहाँ पे वो डिवाइस नेम शो हो जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसको यहाँ पे पेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्लूटूथ को ऑफ़ करने के लिए अपने फ़ोन में दोस्तों जो ब्लूटूथ वाला आइकन आ रहा है इसको हटाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पे आना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से इसको ओके करके ऑफ़ कर देना है। दोस्तों ऑफ होने का तो आप देख सकते हो आपके फ़ोन में ब्लूटूथ सेटिंग ऑफ है और जो भी डिवाइस आपके फ़ोन में कनेक्ट होगा वो हट चुका होगा और दोस्तों आपके स्क्रीन पे से ब्लूटूथ वाला आइकन भी हट चुका है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपनी सेटिंग में जाके आप यहाँ पे कनेक्टिविटी सेटिंग में आके ब्लूटूथ सेटिंग को यहाँ पे ऑफ़ कर सकते हो। दोस्तों वापस से यूज़ करोगे तो पहले ऑन करना पड़ेगा आपको ब्लूटूथ को, उसके बाद ही दोस्तों आप देख सकते हो अगर मैं ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट नहीं हो रहा है फ़ोन नेम, मतलब यहाँ पर जो ब्लूटूथ का नेम है ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ब्लूटूथ सेटिंग ऑफ है। जब ऑन कर लेंगे उसके बाद ही यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में दोस्तों। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई डाउट हो दोस्तों कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।